मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था, पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही G20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ, उसमें भी आपने देखा कि कैसे दुनिया ने हम भारतीयों का लोहा माना है। आप मुझे बताइए, जब दुनिया भारत का गौरवगान करती है, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, आप बताएंगे, जवाब देंगे? मैं पूछूं, जवाब देंगे? जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? जब भारत दुनिया को दिशा दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है? ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया है, ये सब कुछ आप मेरे परिवारजनों ने किया है। इसका यश आप सब जनता जनार्दन को जाता है। क्यों? याद रखिए क्यों? क्योंकि आपने 30 साल के बाद दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाकर मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। आपके वोट की ताकत है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा, अच्छे अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना, तो बराबर आंख भी मिलाता हूं। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर, देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए,
13.5 करोड़ लोग, ये आंकड़ा याद रखोगे, आंकड़ा याद रखोगे, कितने कितने 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है। हमारा चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। मेरे उत्तराखंड के लोग, ये शिव शक्ति की विचार से आप खुश है कि नहीं है? आपका मन आनंदित हो गया कि नहीं हो गया? यानी वहां भी मेरे उत्तराखंड की पहचान पहुंच गई। शिव और शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। साथियों, स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है। हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं, इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और आप जरा जोर से ताली बजाना, एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दम खम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है, एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए, अपना फ्लैश लाइट करके, सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को
इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों बैठिए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। भारत के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना परचम लहराए, इसके लिए सरकार खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ये तो सही है, लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है। सरकार तो कर रही है, लेकिन लक्ष्य का जो परिवार है ना, और लक्ष्य जो है वो मुझे हमेशा जब विजयी होता है तो आपकी बाल मिठाई लेकर के आता है। खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों ताली बजाइए, आपका काम हो रहा है। इसका लाभ मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई।